नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। वीडियो को पूरा बात करें, समझने का प्रयास करें, जिससे आपको समय समय पर सही सटीक जानकारी मजदूर तो पूरी बात समझ में आए, क्योंकि आप वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। वॉच करना आपका कर्तव्य बनता है, जिससे आपको सही जानकारी मिले। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपीपीएससी 2023 प्री रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। जैसा कि समाचार पत्र में बताया गया था कि 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा। हमने आपको क्या बोला था कि जून के द्वितीय पखवाड़े में, मैं जानता था कि परिणाम तैयार नहीं हो पाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली वही मेरे द्वारा बताया गया, जानकारी कलेक्ट करता हूँ तभी बताता हूँ। मैं फर्जी खबरों से दूर रहता हूँ। आप देखते होंगे मैं अधिकतम 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत हो गया तो 4 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। और लोग चाहते हैं कि परमानेंट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ, तो मैं आपसे बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट वीडियो अपलोड करूंगा तो यह आपकी भूल है। मैं परमानेंट वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मैं परमानेंट 5, 6, 8, 10 वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा। जब सटीक जानकारी मिलेगी तभी दूंगा। यूपीपीएससी रिजल्ट में देरी का कारण है कि अभी रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बाद आपका परिणाम जारी किया जाएगा। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। पदों की संख्या के संबंध में इस चैनल के माध्यम से 2 से 3 महीने पहले आपको जानकारी दी गई थी। लोग अभी कह देंगे कि मैंने किसी की कॉपी की है, इसलिए मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, टाइम बताऊँगा, इतने टाइम के बीच आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी उस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा, वहां पर भी देख सकेंगे। आरसीएन न्यूज टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि 3 महीने पहले मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आज वही सब रिपीट कर रहे हैं। इसलिए पदों की संख्या उसी में आप देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो कुछ लोग कह देंगे आपने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अरे भैया, कॉपी मेरी आप कर रहे हो कि मैं आपकी कर रहा हूँ? कुछ लोग कहते हैं आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे द्वारा पहले बताया गया। भैया, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको विश्वास कैसे पड़ेगा? तो साक्षी दूंगा ना, इसलिए टेलीग्राम से जुड़िए, अभी पोस्ट करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के बाद मैं पेस्ट कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। इस महीने परिणाम आने की प्रबल संभावना है और मेंस के लिए आवेदन जो है नेक्स्ट मंथ, आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, हाँ, कटाप बता दूँ। कटाप देखिए, कटाप मेरे द्वारा कई बार बताया गया है कि पिछले कटाप से 4 से 6 नंबर, जो कटाप है 4 से 6 नंबर, माफी 2 से 4 नंबर अधिक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 2 से 4 मतलब, अब मैं बता दूँ कि 88 से 90 या 89 से 91, तो जो कटाप जाने वाला है 89 से लेकर 91 के बीच में रहने वाला है, बीच में। अगली अपडेट है सीटर 2023 ऑफलाइन परीक्षा को लेकर। ऑफलाइन परीक्षा से अभ्यर्थी काफ़ी दुखी हैं, कुछ कर तो नहीं पाएंगे अभ्यर्थी, इतना निश्चित है, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा से इसलिए दुखी हैं क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा देने का एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा देने में दिक्कत होती है। ओमआर सीट भरने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, जो कि ऑनलाइन परीक्षा में नहीं होता था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन परीक्षा से ज़्यादा सेफ ऑफलाइन परीक्षा है। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में देखे जाते हैं, ऑफलाइन में भ्रष्टाचार कम होता ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, परंतु ऑनलाइन परीक्षा से कम होता है ऐसा लोगों का कहना है, लोगों ने जो आकलन लगाया है। इसलिए आपको ऑफलाइन पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। बाकी 20 तारीख की जो परीक्षा है, कुछ परीक्षाएं टकरा रही हैं, बिहार की परीक्षा है या सीटेट परीक्षा, तो परीक्षा पोस्टपोन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो हो सकता है कि परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है कि सीटेट परीक्षा पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि परीक्षाएँ टकरा रही हैं जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा, इसलिए बीजेपी के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध तरीके से भर्ती को किया जाए, भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए। मैं आपको बता दूं, समाचार पत्र में भर भर के भर्तियाँ आएंगी, और आप यह भी देखिएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन भी खूब आएगा,
जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव है बीजेपी की सत्ता है वहाँ भी विज्ञापन आएगा और लोकसभा चुनाव की पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसको आप मान लीजिए, मैं अभी से बता रहा हूँ, बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है, पार्टी में बैठकों का दौर चला। मैं बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। एक आपके पास लहर आने वाली है, उस लहर का फायदा आपको उठाना है। अगर ये एक सीट पा गए तो अच्छी बात है, नहीं पाए तो फिर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, इस मुद्दे को कम करने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। सुपर टेट 2023 पर क्या करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुपर टेट 2023 नहीं होगा, 2024 में पता नहीं क्या होगा। पहले यूपी टेट कराने की तैयारी चल रही है, अगस्त सितंबर तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा और नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है, अधिकतम जनवरी। किसी कारण से अगर नहीं हो पाया तो जनवरी नहीं तो नवंबर दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी यूपी टेट की। और मैं आपको बता दूं, सुपर टेट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। अब क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं अंदर अंदर, क्या करना चाहिए आपको, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि इस पर मैं कई बार बोल चुका हूँ लेकिन आप लोग इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। अभी भर्ती आ जाए, सुपर टेट की परीक्षा होने लगे और परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाने लगे तो 12 लाख 10 लाख आवेदन हो जाते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि भैया आप अपनी मांग के लिए आगे आइए तो 50 लोग नहीं आते हैं, ये कंडीशन है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सुपर टेट परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या करना चाहिए। यूपी टेट पॉलिसी वीडियो एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ। एडमिट कार्ड जो है, मैं आपको बता दूं, वीडियो का जो काम था वह कंप्लीट हो गया, एडमिट कार्ड पूरा तैयार हो गया है। एडमिट कार्ड कल आप वेबसाइट चेक करिएगा, कल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, कल चेक करिएगा, हो सकता है कि आप डाउनलोड कर पाएं। तो कल वेट करते हैं, कोई अपडेट मिलेगा तो कल मैं आपको अवश्य दूंगा शाम तक। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पल सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।